शांति। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप तुमको ये हैं। तो बाप हर पांच हजार वर्ष के बाद आते हैं पांच हजार वर्ष के बाद आते हैं तो हमको उनकी कितनी वैल्यू रखनी चाहिए पर देखो माया ऐसी है वैल्यू रखने ही नहीं देती है कमाल है इस बात की कहीं पर हम भगवान को बाद में और दूसरी चीजों को आगे करते हैं फिर भी नहीं समझ पाते कि हम दुखी क्यों हैं तो दुख का कारण तो यही है बाप तो तुम्हें याद ही नहीं आता वो बाद में याद आता है इसीलिए दुखी है कहीं कहते हैं नहीं अच्छे इंसानों को ना दुख उठाना पड़ता है कहां लिखा है हर कर्म का हिसाब होता है हिसाब चुप करना है ये ठीक है पर हिसाब चुगत करते दुखी होना ये कहाँ लिखा है ये तो कहीं नहीं लिखा हिसाब चुग करना है ये सही है पर हिसाब चुग कर दुखी होना ही कहा लिखा है मॉरल्स होते हैं जिनके जीवन में नियम्स होते हैं वो अपने सिर पर कर्जा बर्दाश्त नहीं करते तो वो क्या कर्जा लेते ही रहेंगे नहीं उनको अपने जीवन पे कर्जा बर्दाश्त नहीं है तो वो मेहनत करते हैं और जब वो मेहनत करते हैं तो वो कर्जा क्यों लेंगे तो इसीलिए अगर अच्छे जीवन बनाना है तो अच्छे कर्म करने पड़ते हैं अच्छा कर्म करोगे तो फल तो अच्छा मिलेगा ही ना यही तो हिसाब है तो ये कहाँ लिखा है कि अच्छे कर्म करते ना तो दुखी बहुत होना पड़ता है अच्छा इंसान ना बहुत सुनता है बहुत बर्दाश्त करता है कहाँ लिखा है ये तो तुम्हारी सोच है क्योंकि तुम बुरे कर्मों में चल रहे हो अच्छा इंसान जो होगा वो हिसाब चुप करता जाएगा परमात्मा याद से और स्वयं हल्का होगा अगर वो दुखी हो रहा है तो वो अच्छा क्या है फिर वो कैसे अच्छा कर्म करेगा कईयों तो की बहुत अजीब वो गरीब थ्योरियाँ होती हैं कि हम अच्छे इंसान है ना इसलिए सारे दुख तकलीफें हमारे पास ही आते हैं तो ऐसा नहीं है पेपर आते हैं पर पेपर कैसे क्रॉस करते हैं आप खुशी खुशी दुखी होकर तो फिर अगर आप खुशी खुशी क्रॉस करते हैं तो नेचुरली लाइट माइट रहेंगे और अगर दुखी रहते हैं तो फिर तो याद की यात्रा बहुत कम है इसीलिए दुखी रहते हैं